पाइप लीक हो गया रिंकू वाली गाड़ी का, और ये जुगाड़ किया कपड़ा लगा के। ये देखो पावर लेबर की हिला देंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो 6 बज चुके हैं, हम उठ गए हैं, 5 बजे उठ गए थे, जसवीर पाजी ने जगा दिया था, तो गाड़ी लेके आ गए हैं, तो अब भरेंगे। इधर उधर शक्कर ही शक्कर पड़ी है, जितनी मर्जी खा लो। तो अब लेबर लोग काम चालू कर दिए, बाकी सब गाड़ियां लोड होके बाहर खड़ी हैं, सिर्फ मेरी गाड़ी बची है, अब मैं भरूंगा। लेबर वाले भी बेचारे रात से लगे हुए हैं, हम तो सो गए थे 12-1 बजे, तो ये बेचारे तब से लगे हुए हैं, अभी तक 6 बज गए। कब से लगे हो भाई? पूरी रात से लगे हैं। पूरी रात हो गई? पूरी रात हो गई। 1 बजे के बाद इन्होंने हमारी 3 गाड़ियां भरी हैं, जसवीर पाजी और दारा और पिंटू बाहर भर के खड़े हैं, तो अब हमारी भर रहे हैं 4थी, तो हम भरते हैं, चलते हैं। इनकी भी बहुत मेहनत है, जागते हैं रात रात भर, ये भी ड्राइवरों की तरह, ये भी रात रात भर जागते हैं, लेबर वाले जो शक्कर कारखाने में काम करते हैं। तो चलो गाड़ी दोस्तों भर गई है, त्रिपाल रस साहब करेंगे, बाकी सब गाड़ियों का हो गया है, वो खड़ी हैं, अब देखते हैं। हैप्पी आ रहा करवाने, हैप्पी करवाएगा अब हमारा त्रिपाल रसा। बाटो जाने तो गाड़ी अपनी लोड हो चुकी है, ये कांटा पर्ची इधर देने आए हैं, इधर ऑफिस है, अब देखते हैं, इतनी दूर पैदल चल के आए हैं। दोस्तों हाथों हाथ पेपर मिल गए हैं, अब चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा है, ये देखिए पूरी शक्कर कंपनी दिखा दी आपको, इतना बड़ा ट्रांसफार्म, ये देखिए जिधर तक नज़र जा रही है लोहा ही लोहा लगा हुआ है। डीजल डलवा के निकलते हैं, सफर निकालते हैं, पहले ही बहुत दिन हो गए, बहुत दिन टूट गए, चलते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हिंगोली के पास आ गए हैं, डीजल डलवा लिया है, तो डीजल इस बार ज़्यादा खा गई गाड़ी, तो देखते हैं काम करवाएंगे जाके। तो अब डीजल डलवा लिया, निकलते हैं OTP करवा के, अभी सफ़र भी बचा हुआ, नागपुर अभी है यहाँ से 339 किलोमीटर, तो निकलते हैं दोस्तों। दोस्तों हिंगोली के पास थे तो जसवीर पाजी का टायर पंचर हो गया था, तो ये लोग मेरे आते आते टायर इन्होंने बदल दिया है, तो अब चलते हैं दोस्तों।
गली के पास खड़े हैं दोस्तों। हमारा एक ड्राइवर साहब शराबी हो गया है रास्ते में, उसके चलते परेशानी झेलनी पड़ रही है। भाई लोग सब अंकल जी भी यहीं रुके हुए हैं, तो अब देखते हैं क्या बोलते हैं, तो क्या प्रोग्राम है इनका, खाना है या नहाना है, क्या करना है देखते हैं पूछते हैं। यहीं रोड में गाड़ी खड़ी की है, देखते हैं पता करके। क्या हुआ क्या हुआ? ये देखो भाई दोस्तों, सरसों ही सरसों है। दोस्तों करंजा के पास आ गए हैं, खाना खा लिया। यहाँ होटल है करंजा के पास, पुराना होटल है। तो ये देखिए पीछे मस्त तालाब है। तो अब खाना खा लिया, अब चाय पीते हैं और चाय पी के निकलेंगे। तो वही ये दोस्तों चने का खेत है, और इधर देखो गेहूँ कितने मस्त लगी हुई है। बाढ़ देखो खेत की, ओ पीछे पानी देखो, पूरा तालाब ही है, मछली बहुत सारी होगी इसमें। ये चने का खेत, ये होटल के मालिक हैं, बहुत अच्छे इंसान है। जसवीर पाजी भी खा लिए खाना। हाँ जी लीजिए दोस्तों, एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ गए हैं। ये देखिए रोड, 6 लाइन रोड है, और व्यू देखिए, और दोस्तों एक नंबर रोड है। आइए इसी रोड से, तो बहुत मस्त रोड है।
तो अब चलते हैं, सफर निकालते हैं। तो करंजा से चढ़े हैं, चलिए। चाय देना। नागपुर टोल टैक्स पार कर गए, तो अब चलते हैं। चाय पीने के लिए रुके थे। ये लड़का बेचारा पढ़ता भी है, रात को दुकान भी चलाता है। ऐसे कुछ सीखो, पढ़ता भी है और काम भी करता है रात को। लड़का पढ़ता भी है और काम भी करता है, अपने डैडी का हाथ भी बटाता है, देख लो। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब खाने में व्यस्त हैं। डीजल डलवाएंगे और पानी भर लिया है, पानी भर लिया दोस्तों, डीजल डल गया है। आगे दो गाड़ियों में अंकल जी डलवा रहे हैं, इसके बाद हम डलवाएंगे। दोस्तों मौता पहुंच गए पंप पे, तो भारत वाले पे, तो सब गाड़ियों में डल गया डीजल, अब मेरी गाड़ी में डलेगा। तो डलवाते हैं डीजल और फिर निकलते हैं। 11:30 बज गए हैं, तो देखते हैं, चलिए। तो सेठ जी का ऑर्डर आ गया, अब डीजल डलेगा, फिर चलते हैं आगे भंडारा में, कानाराम के पास रुकेंगे जाके, वहीं खाना खाएंगे राजस्थानी होटल में, भंडारा पार करके। तो चलते हैं, चलिए दोस्त। डीजल डल रहा है दोस्तों, अपना यहीं डीजल डलता है, ये सरकारी पंप है, बड़ा पंप है, मौदा से पहले है, टोल टैक्स से पहले, बढ़िया पंप है, यहीं से डीजल डलता है अपना। पाइप लीक हो गया रिंकू वाली गाड़ी का, और ये जुगाड़ किया कपड़ा लगा के, हैवी क्विक, वाह क्या दिमाग पाया है, वाह। कैसे करना है अब, जाऊं मैं? हैं? देख लेते, मैंने ट्राई टू लाके। गाड़ी का पाइप फट गया, डीजल पाइप, तो जुगाड़ तो जमेगा नहीं वहां, तो सुबह आएगा वो, अब करवा के अब हम चलते हैं दोस्तों। अगर होता तो कर देते, लेकिन अब होगा नहीं, उसका पाइप फट गया है डीजल का, तो अब चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आ गए भंडारा पार करके अपने होटल पे, जहां हम रुकते ही हैं, राजस्थानी ढाबा। तो जगह तो बहुत है यहां, तो अपने दोस्त का ही होटल है, तो चलिए अब खाना खाते हैं और फिर सोते हैं 2-3 घंटा। तो दोस्तों अपनी सेब भाजी आ चुकी है, ये रहा सलाद और तंदूरी रोटी, चलिए खाते हैं।
गर्म है। तो दोस्तों खाना पीना हो गया, अब सोते हैं जाके, तो सुबह निकलेंगे टाइम से। टाइम बहुत हो गया, 2 बजे तो खाना ही खाया, 2:30 बजे, 2:30 बज गए खाना खाते खाते, कोई टाइम नहीं हमारा। तो चलिए सोते हैं, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही अगले ब्लॉग में। बाय बाय।